पीडीएम का हुकूमत गिराओ मिशन, मीरार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां मुकम्मल, लकड़ी का स्टेज, कुर्सियां भी जाती, इंतजामी मामलात की निगरानी के लिए रहनुमाओं की आमदोरफ्त भी जारी। पीडीएम जलसे की तैयारियां, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां इंसारुल इस्लाम ने संभाल ली, 3000 रजाकार फराइज अंजाम देंगे। दरख्वास्त मुस्तरद, मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी, लाहौर इंतजामिया ने भी फैसला सुना दिया, पीएचए ने जलसा गाह की बिजली बंद कर दी, मीनार पाकिस्तान के अतराफ स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफज। थ्रेट अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और जो कोरोना की सूरत हाल है आप देख रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आवाम की जिंदगी के साथ खेलना मेरे ख्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और न इसकी इजाजत दी जा सकती है। कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो हुकूमत एक्शन लेगी, मुकदमात भी दर्ज होंगे, उस्मान बुज़दाद ने साफ बता दिया, आवाम की जिंदगी हर एक से बढ़कर है। किनारे पाकिस्तान पे पीडीएम के कारकुनों का और आवाम का कब्जा हो चुका है, स्टेज के इंतजाम भी हो रहे हैं और लाइटिंग के इंतजाम भी हो रहे हैं। अब इमरान खान न्याजी साहब जो है मुकदमात जो है वो दर्ज करवाने की फिक्र करें और मुकदमा दर्ज करवाएं, खुद मुदई बन के पटवारियों को हमारे खिलाफ मुदई ना बनाएं। कारकुनान ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर कब्जा कर लिया, जलसा तारीखी होगा, राणा सनाउल्ला का ऐलान, बोले कल पहिया जाम और ट्रांसपोर्ट की बंदिश की कॉल देंगे। मुख्तसिर सा सफर इस्तीफा लेने से इस्तीफा देने तक का, ये अब इस्तीफे नहीं ये लतीफे बन गए हैं। पहले बात तो ये है कि इस्तीफे आने कोई नहीं है, आप ही गए, हम शुक्र गुजार होंगे अपोजिशन के वो हमें दो तिहाई अक्सरियत लेने का मौका फराहम करें। ऑपोजिशन के इस्तीफे की कहानी लतीफे से बढ़कर नहीं, फरदोस आशिक अवान कहती हैं इस्तीफे आ भी जाएं तो ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत की बड़ी मदद होगी। हमारी अदलिया जो हमारी हुकूमतों के दौरान इससे बहुत छोटे मामलात का नोटिस लेती थी, ये पाकिस्तान के कलीदी मफादात जिनका नुकसान इस वजीर आजम और काबीना के हाथों हुआ है, नोटिस लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी, ये हमारी इस्तदा है। हुकूमती वुजरा करप्शन में मुलव्वस, अदलिया नोटिस ले, नाम ईसीएल में डाला जाए, एहसन इकबाल का मुतालिबा, राजा परवेज अशरफ बोले अवाम अब जाली हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक तारीखी और मिसाली जलसा होगा और ये एक पैगाम होगा मौजूदा हुकूमत का कि पाकिस्तान के अवाम इनको मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। कराची की इंतजामिया तब्दील, लायक अहमद कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और नवीद अहमद शेख कमिश्नर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। आईएसपीआर बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की कराची में पासिंग आउट पे आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत, एएसएफ की तरबियत और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का रियासत के खिलाफ बगावत और उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, वफाकी काबीना में हंगामी बुनियादों पर तरबीम मंसूर। हुकूमत के खिलाफ इस्तीफा पॉलिसी, नून लीग के मजीद 5 अराकीन असेंबली ने इस्तीफे भिजवा दिए, वजीर इतलात सिंध भी मुस्ताफे। बिलावल भुट्टो के तर्जमान के ओहदे से इस्तीफा दिया, पीपल्स पार्टी से नहीं, मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं पार्टी की आदत के साथ खड़ा रहूंगा।
पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढाने लगी। एक दिन में मजीद 71 अमवात। 24 घंटे में 2729 नए केस रिपोर्ट। सिंध पर कोरोना के वार। 1620 नए केस। 1289 का ताल्लुक कराची से, 47 हैदराबाद और 51 मरीज सांगढ़ से रिपोर्ट। मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सईदाबाद सेक्टर B9 में पुलिस मुकाबले के बाद दो डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची गुलबर्ग ब्लॉक 5 में बंगले की मालकन को नौकरानी ने कत्ल कर दिया। मुलाजिमा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भारत ने पाकिस्तान में तैनात अपने नाजिमुल उमूर को तब्दील कर दिया। सुरेश कुमार नए नाजिमुल उमूर मुकर्रर। भारत में नए ज़रई कानून के खिलाफ किसानों का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। मोदी सरकार के मुज़ाकरात के जतन, एहतजाजी तहरीक यूरोप भी पहुंच गई। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाला खुद मुश्किल में पड़ गया। इसराइली वजीर आजम पर करप्शन इल्जाम। गली गली एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। मलका कौसार में आई सफेद मोतियों की बहार। माहौल की खुनकी बढ़ गई, आया हर मंजर में निखार। काखान वेले और श्रीनगर में भी खूब बर्फबारी। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी फाल्कन एडवेंचर सोल्जर्स, ऐसे सिपाही की कहानी जिसने ईगल बनकर दुश्मन का जीना हराम कर दिया।